हमने क्षेत्रीय जेल से कहा था जी, मोबाइल द्वारा फोटो द्वारा सब तरह कहा था, किंतु इस सरकार के कर्मचारियों को जूते या लट या रिश्वत, तो मैं भारतीय किसान यूनियन का आदमी हूँ जी जी। ये इस तरह से कोई सी ये सरकार है ना, ये सरकार वो सरकार नहीं है जो जनता की आपत्ति को समझे। ये अपनी आपत्ति को, अपने समय को, अपने वोटर को बनाने के लिए कभी थैला दे दिया, कभी डालडा दे दिया, कभी डाल दे दिया। तो ये मतलब लास्ट टाइम पे सिर्फ जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, राशन दे के डीजल भी थोड़ा सस्ता कर दिया, पेट्रोल के दाम भी अभी फिलहाल गिरा दिए। ये डीजल आज गिरा है और चुनाव के बाद फिर 150 से ऊपर फिर बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं शीलेंद्र कुमार डिमांडिंग अहिर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिला एटा के मारेरा विधानसभा क्षेत्र 105 के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हम मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, इनका मूड क्या कहता है, इस बार ये किसे वोट दे रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो नमस्कार बाबा जी, इस बार आप वोट किसे दे रहे हैं? मोदी है। मोदी को दे रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या काम किया है मोदी ने जो मोदी को वोट दे रहे हो? काम नहीं किया, ये काम किए कि गैया छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ गैया खराब, तो ये काम किए कि किसान के ऊपर ज्यादा जोखिम पड़ रही है जी। जी तो आप किसे वोट देंगे? वोट जी, वोट मन की इच्छा है। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप है। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अब तो अखिलेश को वोट देंगे हम। अच्छा, अखिलेश को क्यों देंगे? अरे सबरी खेती खाली, ये लट्ठा टूट गया है, पर कम 6-7 दिन हो गए तब से कोई सुनवाई नहीं की। इनके बच्चे आते हैं सुबह मर गए होते, गाय मर गई होती इससे, अभी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, और बीजेपी ने राशन वगैरह फ्री कर दिया है। अरे तो राशन से क्या होता है, राशन खाने से? अब चुनाव के टाइम पे डीजल और पेट्रोल भी सस्ती कर दी है। जब मेरी खेत जुतने के लिए थे तब तो 99 रुपए डीजल था, अब कर दिया 87 रुपए, अब का हम पियेंगे इसे डीजल को? जी, तो इस बार वोट आप अखिलेश को देंगे? अखिलेश को वोट देंगे। ये 2 महीने में तो ट्रांसफार्म ही आया था, फूक गया तो। अच्छा, इसी बात को, और जो गाय भैंसे अपनी बहुत समस्या कर रही है खेती तो में। अभी ये जो लाइन खराब है, अभी तो कोई सुनवाई नहीं, जेई के पास फोटो भेज दिया इसका, वो लाइन की वो वीडियो बना के डाल दी, अभी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आपका नाम क्या है? श्रीकांत प्रसाद। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को वोट देंगे, बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं साहब। क्यों? हमारी खेती बेझड़ चल रही है। अच्छा। जब हमें जरूरत खादी डीएपी की थी उस समय यूरिया थी, यूरिया की जरूरत था तब डीएपी की थी, खादी लाइन लगा के नहीं मिल रही है हमको टाइम से। अच्छा। दूसरी बात, राशन वाली बात आती है, मोदी जी ने हमें क्या दे दिया, 10 किलो वो देते हैं हमको राशन और 20 किलो गाय हमारा खेत खा जाती है। खेत खा जाती है। पूर्ति को हम कहाँ से करेंगे, क्या बच्चे मोदी जी के घर में हम दे दें? अच्छा, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा सुझाव है इन गायों का, वो क्या करें, कहाँ रखें इन्हें? कहाँ रखें, ये गवर्नमेंट किस लिए है जी? क्षेत्रीय प्रधान को सौंपे, सेक्रेटरी को रोमे, गौशालाएं बनवामे, क्या उन पर पैसे की कमी है? कमी तो हम लोगों पे है जी। जी तो हमारा खून चूसा जा रहा है। और दूसरी बात ये, हमारी ये लाइन टूटी पड़ी है, हमारे 2 बच्चे मर गए होते, आज करीब 8-9 दिन हो गए लाइन जमीन से छू रही है। हमने क्षेत्रीय जेई से कहा था जी, मोबाइल द्वारा फोटो द्वारा सब तरह कहा था, किंतु इस सरकार के कर्मचारियों को जूते या लट या रिश्वत, तो मैं भारतीय किसान यूनियन का आदमी हूँ जी जी। ये इस तरह से कोई ये सरकार है ना, ये सरकार वो सरकार नहीं है जो जनता की आपत्ति को समझे। ये अपनी आपत्ति को, अपने समय को, अपने वोटर को बनाने के लिए कभी थैला दे दिया, कभी डालडा दे दिया, कभी डाल दे दिया। तो ये मतलब लास्ट टाइम पे सिर्फ जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, राशन दे के डीजल भी थोड़ा सस्ता कर दिया, पेट्रोल के दाम भी अभी फिलहाल गिरा दिए। ये डीजल आज गिरा है और चुनाव के बाद फिर 150 से ऊपर फिर बढ़ जाएगा। चूतिया बनाना सरकार, ये जनता चूतिया बनने वाली नहीं है, अब के ये जनता सरकार को चूतिया बना। तो आपको लगता है कि इस बार अखिलेश बिल्कुल गिड़िया क्लियर है सत्ता में? क्लियर, क्लियर, क्लियर। अच्छा, अभी एक युवा भाई हैं, इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार, नाम क्या है भाई साहब आपका? अंकित कुमार। क्या लगता है इस बार कौन सरकार सत्ता में आ रही है? बार तो अखिलेश के सिवा कोई नहीं रचता। अच्छा, आपको क्यों लगता है, क्या कोई रोजगार वगैरह नहीं दे रही है बीजेपी सरकार? कोई रोजगार नहीं है अभी इस समय तो,
मुझे, मैं भी अभी तैयारी करने जाता हूँ तो मुझे वैकेंसी के बारे में कोई पता नहीं चलता है कि कहाँ आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। मतलब लंबे समय से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है? अभी मैं 5 साल हो गई, ये 10 साल हो गई सरकार को, अभी तक मुझे 10 साल में 10 बार वैकेंसी कोई नहीं दिखी। शायद मैं जानता हूँ जहाँ तक वहाँ तक कि मुझे तो गलत ही लगता है। जी जी, क्योंकि अभी तक वैकेंसियाँ भी कम आई हैं और आ भी रही हैं, तो उसमें कई वो कर दिए हैं ऐसे बदलाव जिससे बच्चा घर पे ही बैठा है। वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अखिलेश को। अच्छा, नाम क्या है आपका? नासिंग। नासिंग, इस बार वोट देंगे आप अखिलेश को, क्यों? बीजेपी से? नो, दुखी है कि हम देर रात खेती कमा रहे हैं, उसे लगा लगा दी से गैया खा जाती है। अच्छा अच्छा, इस बात से दुखी है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, राशन से इसे भारी पूरने पड़ रही। अच्छा, तो और भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि सही लगता हो आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए? कोई काम नहीं कर। तो आप वोट किसे दे रहे हैं इस बार? तो सत्ता में आपको लगता है कि अखिलेश जी ही आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। प्रॉब्लम्स हैं खेत पर जी, इस खेत पर आप गाय खाई जाती है, खाना खाने जा रहे हैं दुआ कैसी लगी है, खाना खाने जा रहे हैं या चाय पीने जा रहे हैं, तो खेत खा गई, सारे खेत पर लाग लगा दे, परेशान है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम गायों की है, गाय बैल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? आप सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हमारा सुझाव कोई नहीं, हमारा सुझाव ये यहाँ से चली जाएगी, ये चले जाए कुल मिला के, ये हमारी खेती बर्बाद ना करें। बर्बाद है। अच्छा, एक छोटू है हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ छोटू, क्या लगता है सरकार किसकी आने वाली इस बार? अखिलेश यादव। आपको कैसे लगता है, आपका वोट है? हमारा वोट नहीं है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार अखिलेश यादव की आएगी? क्यों, ये सब घर वाले देंगे, ये सब भी कह रहे हैं, तो अखिलेश सरकार क्यों नहीं आएगी? तो आपको ऐसा लगता है आपके सिर्फ गांव वाले दे रहे हैं इसीलिए सरकार आ जाएगी कि आसपास के लोग भी? स्कूल जाते हैं सही बच्चे कहते हैं, स्कूल अभी तो खुल रहे हैं, फिर लॉकडाउन लगेगा, कितनी पढ़ाई हो जाएगी इतने दिनों में? तो मतलब शिक्षा का भी नाश कर दिया है ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी जी, 2-3 साल से बच्चे सभी घर बैठे हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपकी? फीस रेगुलर लगती है। अच्छा, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है? पढ़ाई बिल्कुल नहीं। तो चलो, आपकी प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर किया जाएगा और देखते हैं सरकार आगे क्या करती है, किसकी सरकार बनती है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप सभी लोगों से बात करके अच्छा लगा, तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।